दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेहता क्लासेस बाय नीरज मेहता चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जब भी हमारी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पर आपको HSSC, SSSC रेलवे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी और वीडियो की डिटेल्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.mehtaclasses.in पर जाकर आप हमारे पेड कोर्स भी ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं, संधि। जैसे कि आपको पता है HSSC के एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जिसमें आपका हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसमें संधि भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हमेशा आपसे संधि से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं पेपर में और ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत कराते हैं। संधि करने के लिए उन्हें व्याकरण के बहुत सारे चैप्टर्स और कई चीज़ों को और एग्जांपल्स को पढ़ना पड़ता है, लेकिन संधि के से रिलेटेड आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक कराऊंगी जिसके बाद संधि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप कभी भी संधि नहीं भूलेंगे, बस आपको एग्जाम टाइम में एक बार और इस वीडियो को रिवाइज करके जाना है, उसके बाद आप संधि कभी नहीं भूलेंगे। साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम CHSL, CGL और रेलवे की तैयारी भी कराते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट mehtaclasses.in पर जाकर हमारे पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, संधि। अब देखिए संधि शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले संधि शब्द का अर्थ है मेल, मिलाप। तो संधि शब्द की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, जो कि पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, मैंने इसलिए डाली है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी थ्योरी कराऊंगी, उसके बाद हम अपनी ट्रिक से देखेंगे जो एग्जाम में आता है और वही शब्द में आपको ट्रिक साथ साथ कराऊंगी अच्छे से। दो ध्वनियों के आपस में मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, यानी कि दो शब्दों के मेल से संधि बनती है। अब देखिए एग्जाम्पल है विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, दो शब्दों के मेल से विद्यार्थी बना है और इन शब्दों के अपने अपने अलग अलग मतलब भी निकलते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी, दोनों का ही अपना अपना अलग मीनिंग है और इन दोनों शब्दों के मिलने से एक अलग ही शब्द बन जाता है, तो उसे ही हम संधि कहते हैं। चलिए अब आगे करते हैं, संधि के बारे में जानते हैं। संधि की परिभाषा भी याद रखिएगा क्योंकि पिछले पेपर्स में परिभाषा भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी गई थी। अब देखते हैं भेद। संधि के मुख्य रूप से दो भेद हैं। वैसे तो संस्कृत में इसके तीन भेद दिए हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन पेपर में मेनली आपसे स्वर संधि के बारे में ही पूछा जाता है और उसी के भेद के बारे में पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और साथ में विसर्ग संधि के बारे में भी इतना तो ज़रूर बताऊंगी कि पेपर में अगर क्वेश्चन आपके बाई चांस आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो देखिए संधि के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अगर संस्कृत को भी इंक्लूड कर लिया जाए उसके अनुसार देखा जाए तो इसके तीन भेद होते हैं। तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। पेपर में कई बार पूछ ली जाती है डेफिनेशन भी। स्वर के साथ स्वर के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि परम जमा ईश्वर, मिलके क्या बना, परमेश्वर बना। अब देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन के आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जैसे दो शब्द हैं, जैसे उत्तजमान ज्वल, आप देखिए इसमें जो पहला शब्द है उसमें व्यंजन आना चाहिए, दूसरे स्वर जो दूसरा जो शब्द है ज्वल उसमें स्वर आए या व्यंजन आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पहले शब्द में व्यंजन आ जाता है तो वह व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। व्यंजन संधि की देखिए सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताती हूँ, उसमें हलंत मिलेगा आपको। जैसे कि देखिए ये जो उत्तजमा ज्वल है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है, इसमें तय के नीचे हलंत है, तो यह व्यंजन की सबसे बड़ी पहचान है व्यंजन संधि की, उसमें आपको हलंत मिलेगा। अगर आपको हलंत मिलता है तो आप बेझिझक उसे व्यंजन संधि पे मार्क कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये बात। जैसे कि स्वर है, स्वर का आपको पता है ए आ ई, ये जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं अह तक, ये सारे के सारे स्वर में काउंट किए जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन होता है अगर उसको हम शुद्ध रूप में देखें तो वह क, ख, ग, घ होते हैं, लेकिन अगर उसका शुद्ध रूप देखा जाए तो क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, यानी कि आधा क आधा ख, ये सब व्यंजन होते हैं। पूरा क मिलके बनता है हलंत वाला क जमा ए इक्वल टू क, आपने बचपन में व्याकरण में पढ़ा भी होगा। जो व्यंजन बनते हैं वो स्वर के मेल से ही बनते हैं। अब देखिए आधा ये जो हलंत वाला क है जमा में ए की ध्वनि मिलके
पूरा क्या बनेगा। तो आपकी आपको कुल मिला के ये याद रखना, आपको कोई वहाँ पर डिटेल नहीं लिखनी कि हलंत वाला जहाँ भी कोई भी शब्द आ जाए आप वहाँ पर व्यंजन संधि मार्क कर सकते हैं। अब मेन वीडियो आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। अब आपको मैं भेद बताने के बाद ही आपको आगे चल के मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, और सारी की सारी संधि जो पेपर में पूछी जाती है और प्रीवियस ईयर के शब्द मैंने इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे मैं आपके इंक्लूड करूंगी और ट्रिक भी आपको बताऊंगी। तो मेन वीडियो अब स्टार्ट होगी आगे से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये भेदों के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्वर संधि के बारे में ही आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि स्वर संधि का कौन सा भेद, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक ऑप्शन ठीक होगा, तो नाम याद रखिएगा। अब आपकी होती है मेन वीडियो स्टार्ट, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब जानते हैं इसके सबसे पहले भेद के बारे में, दीर्घ संधि। अब देखिए, अब मैं आपको अच्छे से ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये ट्रिक समझ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 99% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। वैसे तो मैं 100% ही गारंटी ले रही हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, एक्सेप्शनल केस तो सभी में होते हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो देखिए, अब दीर्घ से आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो आप इसी से ट्रिक निकल रही है आपकी कि जहां भी बड़ी मात्रा आए वही दीर्घ संधि की पहचान है। जैसे कि अब मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है, ये देखिए ब्लू वर्ड्स में एग्जाम्पल्स हैं। भानुद्य, इसमें देखिए बड़े उ की मात्रा आ रही है, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि आ गई। नवागत, अब देखिए इसमें आ बड़ी मात्रा आ रही है, बड़ा आ का डंड आ रहा है, तो नवागत, तो ये भी हो गई दीर्घ संधि। उसके बाद देखिए परीक्षा, परीक्षा में भी बड़ी की मात्रा है, तो ये भी दीर्घ संधि की पहचान है। रजनीश, ये देखिए ये जितनी भी मात्राएं हैं सभी में बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये सारी की सारी दीर्घ संधि है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब दीर्घ संधि को आप कभी नहीं भूलेंगे, दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा, और जहां पर बड़ी मात्रा है वही दीर्घ संधि की पहचान है। तो जहां भी बड़े ई उ किसी भी चीज की मात्रा है वहां आप दीर्घ संधि बेझिझक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट भेद देखिए, अगला भेद है गुण संधि। अब गुण संधि में देखिए, किसी भी शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या री की मात्रा हो वहां गुण संधि होगी। याद रखिएगा, ए ओ की मात्रा, ओके, वहीं पर गुण संधि होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, गणेश। अब गणेश में देखिए ए की मात्रा है, तो यहाँ गुण संधि है। महेश में भी ए की मात्रा है, गुण संधि है। परमेश्वर में ए की मात्रा है, गुण संधि है। महोदय, महोदय में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो यहाँ भी क्या है, गुण संधि। अब देखिए महर्षि, सप्तऋषि, इसमें री की मात्रा है, तो यहाँ भी गुण संधि है। आप पहचान रखिएगा, महर्षि, सप्तऋषि और ये जितने भी ऊपर ये री चढ़े हुए होते हैं इसमें ज्यादातर आपकी गुण संधि ही मिलेगी। तो अब गुण संधि की पहचान क्या है आपको पता चल गया होगा, ए ओ या री की मात्रा। पेपर में ज्यादातर आपसे ए या ओ की मात्रा ही पूछी जाती है, री की इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है, फिर भी मैंने डाल दी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना, आप उसको अटेम्प्ट कर सके। तो गुण संधि में क्या है, ए ओ की मात्रा या री की मात्रा हो, एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसका नेक्स्ट भेद, वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि, दीर्घ संधि में क्या था, बड़ा, वृद्धि, अब वृद्धि कर देते हैं हम इसमें, यानी कि बढ़ा देते हैं। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ा देते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें क्या बढ़ेगा, अब इसमें मात्राएं वही है ए और ओ की, जैसे कि जो पिछले भेद में थी। अब देखिए, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मात्राएं बढ़ जाएंगी, यानी कि ए आई बन जाएगा, ओ औ बन जाएगा, यानी कि मात्राएं बढ़ जाएंगी। वृद्धि मतलब मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। ये देखिए वृद्धि का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना, यानी कि वृद्धि होना। तो देखिए मात्राओं में वृद्धि कर रहे हैं हम। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, सदैव। अब देखिए यहाँ पर दो मात्राएं हैं, तो मतलब मात्रा में वृद्धि हो गई है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये वृद्धि संधि है। तथैव में दो मात्राएं हैं, दंतोष्ट में दो मात्राएं हैं, परमोषद में दो मात्राएं हैं, यानी कि ए और ओ की मात्रा होगी, लेकिन डबल मात्रा होगी वृद्धि, यानी कि हमने मात्रा में वृद्धि कर दी, एक मात्रा से दो मात्रा हो गई, वृद्धि हो गई, तो ये हो गई वृद्धि संधि। आई होप आपको ट्रिक समझ आ रही होंगी और अच्छी भी लग रही होंगी, और इसके बाद आपको संधि बार बार अपनी किसी कॉपी या किताब से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट भेद है इसका, यण संधि। अब यण संधि में देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, किसी भी शब्द में यह व र के पहले आधा शब्द हो वहां यण संधि मिलेगी।
ठीक है, याद रखिएगा यह वह रह के पहले आधा शब्द हो वहां पर यण संधि मिलेगी। वैसे तो ज्यादातर जितने भी आधे शब्द आप क्या है यण संधि ही मिलती है, लेकिन अगर यह वह रह के पहले कोई शब्द आता है तो वह यण संधि ही मिलेगी। जिस किसी को ज्यादा नहीं सोचना वो ये इस तरीके से भी याद कर सकता है कि जहां पर भी आधा शब्द आए वहां पर यण संधि मिलेगी, लेकिन यह वह रह के पहले आप इसको भी अच्छे से याद रखें तो बेटर है। आप देखिए एग्जाम्पल में, यद्यपि इसमें यह से पहले आधा दया आ रहा है, अत्यधिक यह से पहले आधा तय है, अत्यंत, प्रत्येक आदि, इन सब में देख लीजिए आप यह वह रह से पहले ही आधा शब्द आ रहा है, तो यण संधि आपको याद हो गई होगी, यण संधि मतलब आधा शब्द। ओके, नेक्स्ट बेट देखते हैं अयादि संधि। अब देखिए अयादि संधि की सबसे बड़ी पहचान ये है, अयादि संधि में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आप स्टार्टिंग के दो शब्द देखिए, अ यह। अब ये यहीं से इसकी ट्रिक निकल रही है, अयादि संधि में आपको कोई किसी भी शब्द में आपको आए, आए, अव और आव का उच्चारण मिलेगा, आए, आए, अव या आव। अब देखिए अयादि में स्टार्टिंग में भी क्या है, ए और यह है, तो इसी से आप समझ जाइए ये चार शब्द, जहां भी आपको इन चार शब्दों का उच्चारण मिले, आए, आए, अव और आव का उच्चारण जहां भी आपको मिले वहां पर अयादि संधि मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आपको ए, ओ, इस टाइप की कोई भी मात्रा नहीं मिलेगी, और अधिकतर शब्द तीन अक्षर के ही होंगे, इसमें ज्यादातर शब्द तीन अक्षर के होते हैं, मैंने अच्छे से बुक स्टडी की है, व्याकरण की बुक में भी देखा है, इसमें अधिकतर शब्द आपके तीन अक्षर के ही मिले हैं, तीन अक्षर से ज्यादा मुझे तो कोई शब्द मिला नहीं, बाकी एक्सेप्शनल केस मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्याकरण की बुक में भी कोई भी शब्द नहीं मिला है, 10th क्लास तक की मैंने बुक देखी है अच्छे से। तो इसकी पहचान क्या है, एक तो ये चार शब्द आए, आए, अव और आओ, इनका उच्चारण मिलेगा, और उसके अलावा इसमें कोई आपको ए और ओ की कोई मात्रा भी नहीं मिलेगी, और अधिकतर शब्द तीन अक्षर के होंगे, जैसे कि देखिए नयन, भवन, पवन और गायक, पावक, नायिका आदि। अब इनमें देख लीजिए अधिकतर शब्द कितने अक्षरों के हैं, तीन शब्दों के हैं, ये सारे के सारे ही शब्द, अधिकतर क्या सारे ही शब्द आपके तीन शब्दों के हैं। अब देखिए नयन, अब इसमें क्या आवाज आ रही है, आए, भवन, अव, पवन, अव, ये आपके पिछले HSC के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, SI के पेपर में, गायक आए, पावक आव और नायिका आए। ओके, इसमें यह और वह से रिलेटेड शब्द आपके मिलेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये संधि किस तरीके से है। अब देखिए ये तो सारे आपके भेद हो गए, और आई होप आपको सारी की सारी ट्रिक समझ में आ गई होगी, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में एक रिविजन भी कराऊंगी, जिससे कि आपको सारी की सारी ट्रिक्स अच्छे से याद हो जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक विसर्ग संधि भी होती है, और उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी पेपर में आ जाए तो। ये देखिए विसर्ग संधि की क्या पहचान है, उसमें विसर्ग मिलेगा आपको, जैसे कि ये दो बिंदु आपको पता होगा, संस्कृत तो सबने पढ़ी है, जहां भी आपको विसर्ग मिल जाए वो विसर्ग संधि हो जाएगी, तो ये तो ईजी है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए डाले हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है रजनीश, अब आप जल्दी से सोचिए कि इसमें कौन सी संधि है, रजनीश, ये मैंने आपके लिए ही डाला है, जल्दी से बताइए इसमें कौन सी संधि है। आप देखिए बहुत इजी वे है, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, इसमें मात्रा आ रही है बड़ी, और अगर बड़ी मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि होगी, अब आप खुद ही सोच लीजिए, बड़ी मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। मैंने आपको बताया था दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा, और यदि दीर्घ का मतलब बड़ा है, जहां पर भी दीर्घ से ही बड़ा निकलता है, और जहां पर भी बड़ी मात्रा आ जाए वहां पर आपकी दीर्घ संधि होगी। चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं, महेंद्र, अब देखिए महेंद्र में क्या है, जल्दी से सोचिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, महेंद्र, महेंद्र में है गुण संधि, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए या ओ की मात्रा जहां पर भी होगी वहां आपकी गुण संधि होगी। नेक्स्ट है सदैव, सदैव सोचिए जल्दी से। अब देखिए सदैव, सदैव में क्या हो रहा है, मात्राएं आपकी बढ़ गई है, मात्राएं आपकी दो हो गई है, और दो मात्राएं कहां पर हो रही थी, किस संधि में हो रही थी, वृद्धि संधि में। ओके, वृद्धि संधि यानी कि वृद्धि हो गई, यानी कि बढ़ गया, वृद्धि का मतलब ही क्या है, बढ़ना, यानी कि मात्राएं बढ़ गई, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो मात्राएं हो रही हैं, तो ये वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट है इत्यादि, अब इत्यादि देखकर आप समझ ही गए होंगे, आधा शब्द है और ऊपर से यह के पहले आधा शब्द है, तो ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि। मैंने आपको पीछे बताया भी था कि जहां भी आधा शब्द आ जाए या फिर यह वगैरह से पहले आधा शब्द आ जाए तो वह यण संधि होती है,
उसके बाद है शब्द पवन, जैसे कि मैंने आपको ये पीछे भी बताया था और ये पेपर में आ चुका है कई बार। तो अब देखिए वही शब्द, चार जो शब्द मैंने आपको बताए थे उच्चारण के लिए आए आव आव, वही शब्द आ रहा है इसमें। तो कौन से संधि है, वह अयादि संधि। अयादि संधि में कितने वर्ण शब्द के होते हैं ज्यादातर, कितने वर्ण है इसमें, ये देखिए आप खुद ही, तीन। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें अधिकतर आपको तीन ही वर्ण मिलेंगे और इसमें ए और ओ की मात्रा भी नहीं मिलेगी। तो आपको पता चल गया होगा कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अब नेक्स्ट देखिए नमः है। अब इसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे नमः, इसमें विसर्ग आ रहे हैं पीछे, तो ऑब्वियस सी बात है ये विसर्ग संधि है। विसर्ग देखते ही आप बेझिझक मार्क कर सकते हैं उसको, विसर्ग संधि। तो आई होप आपको सारे के सारे ये याद हो गए होंगे। रजनीश कौन सी संधि थी, बड़ी मात्रा है तो दीर्घ संधि है। महेंद्र ए है तो गुण संधि है। अगले दो मात्राएं बढ़ रही हैं, दो मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि है। आए आव आव में कौन सी संधि है, यण संधि है। और पवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इनका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। महेंद्र मायाधीन अत्यल्प तथैव तथा भवन। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इनमें कौन कौन सी संधि यूज हो रही है। अगर आपको ट्रिक्स थोड़ी याद नहीं है तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार दोबारा से देख सकते हैं, और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिए कि आपको कितनी ट्रिक समझ में आई है और कितना क्या कुछ समझ में आया है, और आप संधि पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जल्दी से मुझे इन पांच क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर यदि आपको और कोई टॉपिक हिंदी का करना है या कोई ट्रिक के माध्यम से कोई भी टॉपिक चाहिए या हिंदी की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मुझे अच्छे से कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो लाइए तभी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। मैं आपको मात्रा से रिलेटेड भी ट्रिक पर एक वीडियो बनाऊंगी यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो, जिसमें आप पेपर में कोई भी मात्रा गलत नहीं करेंगे। मैं आपको इस तरीके से मात्राएं समझाऊंगी कि आपकी पेपर में जो आपके शब्द आते हैं कि ये कौन सा शब्द गलत है कौन सा सही है, और चार ऑप्शन आते हैं कि जल्दी से बताइए इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो वो मात्राएं भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद आप मात्राएं भी कभी गलत नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी की और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और जरूर ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।